बनाते शांति में पूरी होते हैं। अच्छा जी, तब बांटेंगे सब। अच्छा, सबको बांटे जाते हैं ये। तो साथ साथ में आप गा भी रहे हैं, सुनाओ क्या गा रहे हैं। लाडो मेरी रूप स्वरूपी न जाने वर कैसा मिलेगा। लाडो मेरी रूप स्वरूपी न जाने वर कैसा मिलेगा। ढूंढने उसके तारा जी निकले वर ढूंढने उसके ताया जी निकले पढ़ो मेरी रूप स्वरूपी न जाने मर कैसा मिलेगा। पर ढूंढने उसके भैया जी निकले वर ढूंढने उसके भैया जी निकले भाभी जी नो पढ़ रही सोच न जाने मर कैसा मिलेगा। भाभी जी नो पढ़ लाडो मेरी रूप स्वरूपी न जाने वर कैसा मिले। जी को पढ़ रही सोच न जाने वर कैसा मिलेगा। जी को पढ़ रही सोच न जाने वर कैसा मिले। नवीद बन रहा है चांदे तारा वर ढूंढने उसके बाबूजी निकले वर ढूंढने उसके बाबूजी निकले चारों तरफ वर ओ ढूंढते चारों तरफ वर ओ ढूंढते। बीए पास के लड़के बहुत है बीए पास के लड़के बहुत है एमए पास वर ओ ढूंढती। ए जी यहाँ पे मिठाई बांटने के लिए मिठाई भरी जा रही है, भाजी और मिठाई। क्या क्या मिठाई है जी आपके? अच्छा भाजी है तो सारी और इनमें छोटे छोटे डब्बों में क्या है इनमें? तो ये आपने पेटी बना दिए हैं देने जिसको भी देनी है। अच्छा अच्छा जी, हाँ जी। तो जो जो आपके गेस्ट आएंगे आप सबको देंगे वो नानकी आएंगे। हाँ जी शुभ होता है। अच्छा जी, तो अभी तेल शुरू होएगा, तेल बटना। तेल कितने बजे से? 10:30 बजे से। तो आप सब लोग तैयार कब होने? 10 बजे गुलगुले बन रहे हैं। टिकड़ी पहाड़ी भाषा में टिकड़ी टिकड़ी, वो जो मीठे बबरू जैसे मायने पूरी है जैसे उनको टिकड़ी बोलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोलन में। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन की शादी है। गुलगुले भी बनते हैं। अच्छा गुलगुले बनते हैं, हमने टिकड़ी बनाई। हमारे बेटी की शादी है। अच्छा हाँ, ये है हमारी बेटी की शादी। बहुत सुंदर धूप खिली हुई है, बहुत खुश है सारे क्योंकि कल की बारिश के बाद जो है थोड़ा मेहंदी के फंक्शन में इंटरप्शन ही हो गई थी और आज हल्दी का फंक्शन है तो कोई भी नहीं चाहता बारिश हो। तो मौसम काफ़ी अच्छा है और सब तैयारियों में लगे हुए हैं। ये दुल्हन का भाई तैयारी में लगा हुआ है, अभी घर का फंक्शन है तो सभी को काम करना पड़ता है। भाई को चल रहा। अच्छा जी, ये दुल्हन की बहन कैसा चल रहा है?
बहुत बढ़िया, बस तैयारी कर रहे हैं अभी, तैयार होंगे फिर तेल वगैरह लगाएंगे फिर हल्दी। अच्छा चलो चलो जी अब चलते हैं। अच्छा भर के डब्बे हैं रखे हुए हैं सारे, ये मिठाई के डब्बे तैयार हो गए हैं, तो जैसे जैसे जो भी आते रहेंगे उनको दिया जाएगा। अब हम आपको लेके जाते हैं, ये मेरे दादाजी हैं और आज ये पूछते हैं दुल्हन से कैसा लग रहा है। हेलो शोमी, और मेहंदी बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है ये तो। मैं अभी क्या है कि यहाँ लाइट जली हुई है और अंधेरा है, तो शायद इतने अच्छे से दिख नहीं रही होगी आपको। और यहाँ पे है पार्किंग, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो जगह बना दी है स्पेशली बारात के लिए, ये जगह खाली कर दी है कल के लिए। यही अच्छी बात होती है गाँव की शादी की कि बहुत स्पेस होता है, जहाँ जाए वहीं पे। और ये खाना बन रहा है, ये लंच की तैयारी चली हुई है। आज हल्दी के साथ साथ ही मामा स्वागत भी होगा, तो उसी के लिए धाम बन। I'm ready for हल्दी function. ये मेरी निन्नी का भी टाइम होने वाला है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और मेरी मासी को अभी तेल पड़ रहा है। मेरा अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, अभी मैं मिट्टी से खेलूंगा। कौन कौन आया हुआ है यहाँ पे देखो, कहाँ पे ये गुड्डू क्या कर रहा है। नमस्ते आंटी जी, हल्दी ये आपको दिखाते हैं, तेल पड़ रहा है अंदर। हेलो कर दो, हेलो। ये बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ये मंडप बनाया जा रहा है। नमस्ते जी, ठीक ठाक है। जब दूल्हा आए तो नजर ना हट पाए दुल्हन से। हम इसको तोता बोलते थे बचपन में, हम ऐसे बोलते थे उड़ उड़ तोता पास की बंदी कृष्ण आ खाना। गाइस ये होता था तोता जिसे बचपन में उड़ाते थे, हम तोता बोलते थे। आपके यहाँ क्या उड़ते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो ऐसे ही हम गेम खेला करते थे छुट्टियों में, उड़ उड़ तोता पास की फेल, उड़ उड़ तोता पास की फेल। अभी तो ये मूव नहीं कर रहा, अदरवाइज ये चलता रहता है और जैसे फिंगर टिप पे आता है और ये उड़ जाता है।